ये शर्म आनी चाहिए बसवराज बोम्मई जी को। सीएम के पास 2 मिनट वक्त नहीं है एक मेमोरेंडम लेने के लिए दलितों का, लेकिन 2 घंटा बैठकर सिनेमा देखने का टाइम है सीएम साहब को। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI गुलबर्गा के लीडर्स और साथ ही साथ जो हमारे दलित कम्युनिटी के लीडर्स ने मिलकर आज डिप्टी कमिश्नर साहब को एक मेमोरेंडम हम लोगों यहाँ पर दिए हैं। ये मेमोरेंडम राष्ट्रपति को हम यहाँ से भेज रहे हैं। इस मेमोरेंडम के जरिए से हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, जो BJP सरकार जिस तरीके से 4 महीने पहले इलेक्शंस है, अब 4 महीना इलेक्शन रख कर एक SC ST के साथ में एक रिजर्वेशन की 2% 4% की रिजर्वेशन की बात छेड़कर यहाँ पर क्या है एक गेम प्ले करने की कोशिश की है। और उसके साथ साथ जितने भी सरकारें आई है तकरीबन 32 सालों से 32 ईयर से SCs यहाँ पर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं कि हमारा वोट ले रहे हैं, राज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अभी तक जो इंटरनल जो रिजर्वेशन है वो नहीं दिया जा रहा है, अभी तक उसके बारे में चर्चा नहीं किया जा रहा है। सिद्धरामैया जी ने कहा था बेलगावी के सेशन में कि वो जल्द से जल्द ये काम करेंगे, लेकिन वो आज कहाँ पर हैं आपको मालूम है। ये BJP सरकार 2 साल से बसवराज बोम्मई जी की सरकार है, ये सरकार भी उसी तरीके से यहाँ पर दलितों के साथ ये इस तरीके से हरकत कर रही है। तो हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं जो दो दिन पहले जिस तरीके से तो 32 सालों से जो लड़ाई लड़ रहे हैं दलित, और उसके बाद जो लगातार यहाँ पर जो लड़ाई हो यहाँ पर लड़ रहे हैं, जो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश कर रहे हैं ये सरकार। पुलिस के जरिए से 200 से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर दलित लीडर्स को अरेस्ट किया गया, उनके सरों को फोड़ा गया, उनके साथ लाठी चार्ज किया गया, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ जुल्म किया गया। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में जब वहाँ पर सीएम के पास 2 मिनट वक्त नहीं है एक मेमोरेंडम लेने के लिए दलितों का, लेकिन 2 घंटा बैठकर सिनेमा देखने का टाइम है सीएम साहब को। ये शर्म आनी चाहिए बसवराज बोम्मई जी को। बसवराज बोम्मई जी के पास वहाँ पर एक फिल्म 2 घंटे बैठकर देखकर वहाँ पर एक डॉग की हत्या को या फिर डॉग मरने की वजह से अपने डॉग की याद करके वहाँ पर मीडिया के सामने रोने के वास्ते उनके पास आंसू हैं, लेकिन जो दलित अपने जिस्म को मार मार के वहाँ पर खून खून ये दे रहा है और अपने आप को कुर्बानी दे रहा है, जो अपने आप को प्रोटेस्ट कर रहा है, अपने आप को नंगा होकर वहाँ पर लोगों के सामने प्रदर्शन कर रहा है, उन दलितों की आवाज़ ये सुनना नहीं चाहते हैं। ये सरकार के पास टोटली टाइम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ये जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जिस तरीके से सिद्धरामैया जी को आज ना बागलकोट छोड़े हैं और ना ही मैसूर छोड़े हैं, उसी तरीके से बसवराज बोम्मई जी की भी हालत यही होगी कि वो अगर इन जो सदाशिव कमीशन रिपोर्ट को अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो BJP को भी उनकी औकात दिखाएंगे। तो यहाँ पर यही मांग लेकर यहाँ पर राष्ट्रपति को मेमोरेंडम देने का मकसद ये है कि इमीडिएटली जो वहाँ पर जो इन चीज़ों के ऊपर तरमीम होना है और तरमीम होकर जो इंटरनल रिजर्वेशन है उसको इमीडिएटली जस्टिस जो सदाशिव कमीशन है उसको इम्प्लीमेंटेशन करना बोलकर आज हम मेमोरेंडम दिए। थैंक यू। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन जो एक अफर्मेटिव एक्शन है वो इसलिए रखा गया है कि जो सालों से पिछड़े तबकात हैं, खासकर जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और OBC में आते हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनको एक लेवल फील्ड करने के लिए रिजर्वेशन एक अफर्मेटिव एक्शन रखा गया है। लेकिन हम देखते हैं कर्नाटक में खासकर 30 सालों से एक ये मांग की जा रही है कि रिजर्वेशन में भी, खासकर जो शेड्यूल कास्ट में 100 से ज़्यादा सबकास्ट आते हैं, शेड्यूल ट्राइब में आते हैं और OBC में भी 100 से ज़्यादा सबकास्ट आते हैं, इनमें सभी इनमें से लोगों को रिजर्वेशन के फ़ायदे नहीं मिल रहे हैं। तो सदाशिव कमीशन जो 2007 में जो बनाई गई थी, 2012 में इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिशन किया था कि अगर शेड्यूल कास्ट में ही पूरे कैटेगरीज या शेड्यूल ट्राइब्स में और OBCs में सबके अगर तरीके करना है, सबके डेवलपमेंट करना है, तो इसमें भी रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन करना चाहिए ताकि सब लोगों को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिले। लेकिन अफसोस की बात यह है कि रिजर्वेशन में भी क्या सिर्फ खसूस कुछ जातों को क्या मालूम उसमें फ़ायदा मिल रहा है, बाकी के लोग वैसी तरह से पिछड़े हैं, अंडर डेवलप्ड हैं। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मुसलसल
इस डिमांड को बार बार रख रही है कि सदाशिव कमीशन की जो रिपोर्ट कर्नाटका में पेश की गई है इसको जारी में लाया जाए। और हमने देखा है कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट इस तरह की रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की जब मांग की है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि रिजर्वेशन जो देने का जो पावर्स है वो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट का है और पार्लियामेंट के पास इसके पावर्स हैं। क्योंकि अब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया डिमांड करती है तो आर्टिकल 341 जो स्टेट पावर्स के बारे में जो डेफिनेशन देती है इसमें थोड़ा अमेंडमेंट लाकर स्टेट को पावर्स दे कि इस तरह का रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन जो लोगों के लिए भलाई का काम करता है ये पार्लियामेंट के सेशन में उसमें अमेंडमेंट लाए, ताकि कर्नाटक में जो पिछड़े तबकात हैं, जो SC में ST में OBCs में जो रिजर्वेशन से वंचित है, जिनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल रहा है, उनको भी रिजर्वेशन मिले। ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज मेमोरेंडम के जरिए से अक्रॉस कर्नाटका DC साहब के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम ये मेमोरेंडम दे रहे हैं, ताकि ये जो मानसून सेशन चल रहा है इसमें आर्टिकल 341 अमेंडमेंट लाए और कर्नाटका को ये पावर्स दे कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन ये दिया जाए। सेंटर में आओ सर, कन्नड़ ओके। ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿನ ಒಳಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2007 ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ನಾವು ಒಳಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನದ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 2007 ಏನದಂದರೆ ಆ ವರದಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ BJP ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು JDSನ 3 ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. 3 ಸರ್ಕಾರಗಳೇನದಂದರೆ ಇವತ್ತು SC ST ಗಳಿಗೇನದಂದರೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗವನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಜನರಿಂದ ಓಟ್ ತಗೊಂಡು, ಆದರೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗವನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿನೂ ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಏನದ ಅಂದರೆ ಲಾಠಿ ಏಟನ್ನು ಕೊಡೋ ಮೂಲಕ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಮೂಲಕ BJP ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು JDS ಈ 3 ಸರ್ಕಾರಗಳೇನದಂದರೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಳಮೀಸಲಾತಿಯ ವಿರೋಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, SCಗಳ ವಿರೋಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು SDPI ಏನದಂದರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಳಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗವನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗವನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ SC ST OBCಗಳೇನಂದರೆ ಇದನ್ನು ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ